काय तक ती पैसा दे जे में नोट तलो नारी काका दी मेरे पति मोय बहुत चाहत मेरे पति मोय बहुत प्यार करती हां फिर जाऊ पड़ोसिन ते महाराज अपने पति की अच्छाई करी है बाऊ पड़ोसिन ते रिश्तेदारी में मेरे पति मोय बहुत चाहत मेरे पति जैसे दुनिया में कोई नहीं और जाद ना पति नो ढाई लाठी तादना दे महाराज कहानी खत्म तादना दे कहानी खत्म फिर ना ही जगा दी बाकी जितो बदमाश दुनिया में कोई नहीं देखो जी ऐसी ही है इसका मतलब इन्हें सब मालूम है आज के जमाने में जो लो जेब में पैसा तो लो नारी हूँ प्यार का तो पैसा नहीं है तो जे काती जे ही काती जे ही टररी वाने जब तक ते संग ब्याह कर गया तूने मैंने करो ही का दुखन के अलावा तूने मैं दो ही का जे ही काती करे इसीलिए देखिए भाई भाई का प्रेम बड़ा ही अटूट होता है लेकिन घर में पत्नी आ जाती है शादी होकर के घर में बीवी आ जाती है तो फिर वो भाई भाई को अलग करवा देती है फिर ये कहती है अपनो हिस्सा बंटवारा कर लियो ना तुम आओ भैया तीन मंजिला ले ले तुम एक ही मंजिला दे दे अरे हिस्सा बंटवारा कर ले सो पहले ही आता ही याद ये करवा लेती डोकर डोकरी को गत्ते बाहर निकलवा देती अच्छा मेरी एक बात समझ में नहीं आती है क्या जो लोग भैया भैया को ब्याह ना हो बेचे एक घर में हो बेचे दस भैया हो इकट्ठे चे एक हो बेचे दस हो बे जो लोग दसन की शादी नहीं हो या तनो एक दूसरे के पास बैठे एक दूसरे कपड़ा पहने एक दूसरे की थाली में खाए अपनी मैया से प्रेम करी है तो सब प्रेम करी एक दूसरे से और जो ब्याह हो जा सोई महाराज दसों के रास्ते अलग अलग हो जा ऐसी बात ऐसी बात काई हो आप बताओ क्यों होता है ऐसा तो आपको मालूम नहीं तो उससे बढ़िया जो जाइए कि ब्याह करो ही ना हाँ ब्याह ना करा तो भैया भैया की बंद रहा ब्याह कर लिए थे तो आते ही आते जी महाराज लंका ढाई देती है ऐसा नहीं करना चाहिए तुम ससुरे में आती हो और ससुरे में आएगी तुम ससुरे में आग लगा देती भैया भैया को अलग कर देती सास बहू को गत्ते सास और ससुर को गत्ते बाहर निकाल देती दुरोनी जिठानी लड़ती हैं और तुम्हारे मैके में अगर तुम्हारे भैया भैया अलग होते तो तुम क्या कहती इन्हें कहो अपने मैके चले जा मैं भैया भैया लड़ाई हुई मुझे चलो जाते हो और तुम्हारी मैके वाली अम्मा को नहीं कहूँ तुम्हारी भाभी कछु कह दे वे तो तुम क्या कहती ए मुझे चलो जान दे मेरी भाभी ब्याज मेरी मम्मी तो लड़ी इन्हें मुझे चलो जान दे ना मुझे देख जान दे मेरी मम्मी कैसी है बोला ससुरे में फूटन करावे में तुम्हें मजा आते हैं और मैके में अगर तुम्हारी अम्मा तो तुम्हारी भौजी कछु कह दे वे तो तुम्हें बड़ी गुस्सा आते हाँ होली वक्त के बिहारी ला और इस बीच में ये दुर्गा देवी सखोला से 10 रुपए मीनाक्षी सोनकर 10 रुपए नेहा कश्यप 11 रुपए शीतल सखोला से 10 रुपए देवानंद सखोला से 10 रुपए वीर सोनकर 11 रुपए भागवती सखोला से 10 रुपए स्वाति सोनकर इनकी तरफ से 10 रुपए आई है बहुत बहुत धन्यवाद है बोली बाप की बिहारी लाल की चलते ही वही श्री सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने इंद्रप्रस्थ में एक यज्ञ रचवाया तो यज्ञ में बड़े बड़े राजा महाराजाओं को बुलाया सभी राजा महाराजा यज्ञ में शामिल होने के लिए आए सभी लोग अब युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि हमने सबको बुला लिया लेकिन मेरा भैया दुर्योधन नहीं आया दुर्योधन भी आ जाता तो हमारा ये यज्ञ जो है वो पूरा हो जाता कहा जाता है मैया घर में कोई आयोजन करो घर में अगर कोई आयोजन करते हैं तो 1,000 रिश्ते नातेदारों को बुला लेना लेकिन जब तक कोई अपना नहीं होगा तब तक अधूरा अधूरा लगता रहता है।